हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी फोटो या इमेज में स्नो इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रियलिस्टिक स्नो इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस फोटो में मुझे स्नो इफेक्ट क्रिएट करना है, स्नो इफेक्ट लगाना है, वो भी रियलिस्टिक लुक के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं। इस लेयर में मैं यहाँ से डिफॉल्ट कर देता हूँ और जो ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम एक्स की मदद से ये चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैंक लेयर है उसमें मैं वाइट फिल कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल करता हूँ कमांड ए के साथ और कमांड और अल्टर और डिलीट के साथ इसमें मैं वाइट फिल कर देता हूँ। ये हमारा पहला स्टेप था। अब क्या करना है, फिल्टर में नॉइज में जाएंगे, ऐड नॉइज करेंगे। दोस्तों यहाँ से हमें यहाँ जो मोनोक्रोमेटिक है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो ये अमाउंट है 400% कर देना है, इसको हम ओके कर देंगे। अब ये बहुत छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। कमांड टी की मदद से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा इतना बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ फिल्टर में जाके इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देंगे, गॉसियन ब्लर। ज़्यादा ब्लर नहीं करना है, थोड़ा सा ब्लर करना है। मैं यहाँ से 3 पिक्सल ब्लर कर रहा हूँ, 3 या 3.5 कर दूँ तो भी चलेगा। इसको मैं अभी ओके कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें जाना है इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ से थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इतना थ्रेशोल्ड देना है जितना आपको इमेज में ज़रूरत हो, जो ये हमें स्नो के लिए यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस लेयर को इन्वर्स करना है। जो ब्लैक है वो हमें वाइट चाहिए और जो वाइट है वो हमें ब्लैक चाहिए। तो सिंपली हम कमांड आई की मदद से इसको इन्वर्स करेंगे। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे जो स्नो गिरता है तो किस एंगल पे गिरता है वो उसको उसके लिए हमें एक फिल्टर लगाना है, मोशन ब्लर। ब्लर में जाएंगे, यहाँ से मोशन ब्लर सिलेक्ट करेंगे। अभी इस डायरेक्शन में है, हमें इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ से सिंपली इतना और इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा रियलिस्टिक लगे उस हिसाब से हमें इसको यहाँ पे सेट करना है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों इस लेयर को हमें उसका ब्लेंड मोड चेंज करना है। यहाँ से नॉर्मल से सिंपली हम यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन क्यों, जो स्क्रीन ब्लेंड मोड है वो जो डार्क है, जो ब्लैक पोर्शन है उसको ये हाइड कर देता है। यहाँ से हमने स्क्रीन लगाया। अब हमें इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लाने के लिए एक और इसका डुप्लीकेट लेयर में ले रहा हूँ कमांड जे की मदद से और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो ये वाला नज़दीक है, जो बड़ा हुआ हमारा ये वो वाला हमारा नज़दीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा जो
ये मेन सब्जेक्ट है उसके करीब है। जो स्नो गिर रहा है और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हम इसको यहाँ पे सेट अपने हिसाब से सेट कर दें। ये हमारा नज़दीक है, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसका डायरेक्शन में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यू रोटेट कर देता हूँ। थोड़ा रेंडमली लगे और थोड़ा रियलिस्टिक लगे इसलिए। और तीसरा भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कमांड जैक की मदद से। मैं तीसरा सबको इसको मैं सबसे नीचे नीचे रख रहा हूँ अभी के लिए। मैं ये ऊपर के जो दो है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं सबसे छोटा कर देता हूँ। ये हमारा जो स्नो का इफेक्ट है इसको मैं फिल्टर में जाके थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ गॉसियन ब्लर की मदद से, 2 पिक्सल या 3 पिक्सल। ये है हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो इमेज है उसके पीछे का है, ये है इमेज के ऊपर का और ये है हमारे सबसे करीब का। अब जो ये इसके ऊपर जो ये है इसमें हम मास्क लगाएंगे। हम सिंपली यहाँ से क्विक सिलेक्शन ब्रश की मदद से इसको हम क्विकली सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको माइनस कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक मास्क लगा देता हूँ। इस मास्क को मैं कमांड आई की मदद से रिवर्स कर देता हूँ। ये हमारा हुआ इमेज के पीछे का स्नो, ये है इमेज के ऊपर का और ये सबसे करीब का। तो दोस्तों ऐसे हम रियलिस्टिक लुक के साथ स्नो किसी भी इमेज में स्नो वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।